फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना शिंदे को लगा बड़ा झटका। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी शिवसेना उभाठा गुट के उम्मीदवार वैशाली दरेकर की रैली में हुई शामिल। क्या है भाजपा की यहां भूमिका? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महायुति एनडीए जो भी कह लो, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट और अन्य छोटी मोटियां आरपीआई रासब जैसी पार्टियां, इनमें जो सीटों का पेच फंसा हुआ है, खास करके इन तीन बड़े दलों में, इनमें अभी भी कुछ सीटें क्लियर नहीं हुई है। कल्याण लोकसभा क्षेत्र को लेकर के वैसी ही जो है आशंका बनी हुई थी, क्योंकि जब तक देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्य के सबसे बड़े नेता है, उनके द्वारा यह घोषणा नहीं की गई कि वहां महायुति के उम्मीदवार मौजूदा सांसद मुख्यमंत्री पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ही होंगे, तब तक चर्चाएं काफी कुछ चल रही थी। लेकिन उस चर्चा के बावजूद अभी भी ये साफ नहीं है कि श्रीकांत शिंदे उम्मीदवार तो है लेकिन बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे या शिवसेना शिंदे गुट के तीर कमान चुनाव पर, यह अभी भी सवाल बचा। और आपको बता दें कि पिछले वर्ष डेढ़ वर्ष से यहां पर कल्याण लोकसभा क्षेत्र में जितने भी 6 विधानसभा क्षेत्र है, कलवा मुमरा भी उसमें आता है, कल्याण ग्रामीण भी आता है, अंबरनाथ है, उल्लासनगर है, बदलापुर है, कल्याण पूर्व है, तो यहां सभी तीन भाजपा के विधायक हैं, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विधायक है और एक जो है वो शिवसेना शिंदे गुट का विधायक है। तो ये कुल मिलाकर के यहां पर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट में काफी तनातनी भी चल रही थी। एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में ही कल्याण पूर्व के बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शहर प्रमुख शिवसेना शिंदे गुट के उनके ऊपर फायरिंग भी कर दी पुलिस स्टेशन में ही। अभी इसी मामले के चलते चुनाव में क्या रंग रहेगा, तो देखिए उसकी पहली झांकी सामने आई है। पहले भी गणपत गायकवाड़ जो अभी जेल में है, जो बीजेपी के विधायक कल्याण पूर्व से, उनके समर्थकों ने इनकार कर दिया था कि वो शिवसेना शिंदे गुट के लिए काम नहीं करेंगे, तो अब ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, इस पर मुहर लग चुकी है। क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ये अंबरनाथ के गोरपे गांव में आए थे, एक धार्मिक यात्रा में उन्हें शामिल होना था। तो इस यात्रा में जब वो शामिल हुए तो उनका स्वागत किया यहां पर बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ ने, जो फिलहाल गणपत गायकवाड़ और उनके तमाम समर्थकों की और वहां पर भाजपा के पूरी इकाई की कमान संभाले हुए हैं सुलभा गायकवाड़। सुलभा गायकवाड़ शामिल हुई रैली में वैशाली दरेकर, जो शिवसेना उभाटा गुट की उम्मीदवार है कल्याण लोकसभा क्षेत्र से, उनके साथ में, संजय राउत के साथ में। उसके तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ महायुति में सब कुछ ठीक है, सब साथ में है और सब ठीक चल रहा है, ऐसे दावे जो दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, उसको पहला धक्का यहां पर सुलभा गायकवाड़ ने यहां पर दिया है। अब किस तरह से बीजेपी अपनी भूमिका यहां पर आगे जारी रखेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी की अभी भी कोई स्पष्ट भूमिका कल्याण लोकसभा क्षेत्र को लेकर सामने आई नहीं है। सिर्फ डैमेज कंट्रोल और स्थिति को संभालने जैसे बयान और वक्तव्य अब तक भाजपा नेताओं ने भी दिए हैं, कोई ठोस बातें यहां हुई नहीं है। और ऐसे में सुलभा गायकवाड़ का ये कदम जो है यहां पर ये दिखाने के लिए काफी है कि अभी भी शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जो श्रीकांत शिंदे के लिए तीसरा टर्म पूरा करने के लिए एक खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है।